तो पॉजिटिव चीज़ें आई हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई आई हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स वगैरह ए एल टी कंसर्निंग वाली चीज़ है। ये सीरम ए एल टी जो होता है, ये ए एल टी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इवन देखा सुनिए, मान ले तुझे मोतिया बिंद है, अपना तो रवा डोसा खा करके आ गई मैडम और हमारे लिए कुछ पूछा ही नहीं है फिलहाल। अभी अभी का गला अच्छे से हम दबा देते हैं, 8:30 हो गए और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो वेलकम बैक टू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग आज की आराम नाम? तो भैया उठ गया था, नहा धो के दम पूजा पाठ करके आराम से चंगे होकर के खड़े हो गए। बैठेंगे बाद में क्योंकि अपना ऑफिस का काम देखना होगा। आधे घंटे में आराम से अपना थोड़ा देखता हूँ, सुनिया भी सो रही है तो इसको भी जगाना है, या उठ जाए अपना फ्रेश वगैरह हो जाए, फिर नाश्ता मंगाते हैं। नाश्ते में थोड़ा सा सोच रहे हैं आज पोहा ही मंगाएंगे, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं मंगाएंगे। पराठा खाना तो बंद ही कर दिए हैं और बंद कर देंगे, बटर वगैरह सब बंद कर देंगे। तो लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, इसमें या तो पोहा या तो उपमा या कुछ वेजी सैंडविच होंगे। तो देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग बताओ कैसी मौज चल रही, नहीं चल रही है? काम धाम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और नॉर्थ में जो मतलब जो हिल साइड में हिमाचली लोग और ये ऊपर उत्तराखंड में, यहाँ पर तो बर्फबारी गिरने के भी कई जगह से खबरें आई हैं, तो वहाँ तो मौसम और भी ठंडा हो गया होगा। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, अभी बाहर धूप निकली हुई अच्छी खासी और कोहरा पानी भी ऐसे कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ा आउटर पे जाओगे तो थोड़ा वो तो फॉग दिखती है। धीरे धीरे जैसे नवंबर आ रहा है तो फॉग तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो फिलहाल अभी अपने काम में शुरुआत करते हैं, इनको उठाते हैं, नाश्ता पानी मंगवाते हैं और दिन की अच्छे से शुरुआत करते हैं। अभी लगभग 12:30 हो रहे हैं, सोनिया अभी अपने मीटिंग के लिए निकल गई है और मैं अपने काम से लगा हुआ था। तो मैंने कल अब से बताया था कि जैसे कि करवा चौथ के अगले दिन मंडे को मैंने ब्लॉग नहीं किया था, तो उसका क्या रीज़न था एंड मैंने बताया था कि हाँ मेरी तबीयत कुछ थोड़ी डाउन रही थी। तो उसका रीज़न ये था, एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ना अपना मेरे काफ़ी टाइम से लीवर का, जैसे मैं आपको ब्लॉग में बताता हूँ कि लीवर की दिक्कत थोड़ी सी चलती रहती है। जैसे लीवर फैट की तो वैसे तो आजकल कॉमन है, लेकिन पहले ब्लोटिंग की भी दिक्कत होती थी पेट से रिलेटेड, क्योंकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग होती थी। क्योंकि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं ना वो अच्छे से जानते होंगे, जब शिफ्ट चेंज होती है तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रूटीन आपका बन जाता है, फिर आपकी शिफ्ट चेंज हो जाती है, फिर उस हिसाब से तो खाने पीने का टाइम मैच नहीं करता। कभी आप किसी टाइम खा रहे होते हो, कभी आप किसी टाइम खा रहे होते हो, तो ये सीन चलता था। जिसकी वजह से क्या होता था ना कि पेट की दिक्कतें लगी रहती थी, लेकिन क्या है कि वो चीज़ तो ठीक हो जाती है। उसकी साइड साइड आजकल क्या है ना, खान पान की वजह से बाहर का इतना खाना रहता है, फिर जंक फूड इतना हम लोग खाते ही रहते हैं। तो इंडिया में वैसे भी एक रिसर्च में आया ही है कि फैटी लीवर की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है और इससे ही रिलेटेड ज़्यादातर लीवर की समस्याएं बढ़ती हैं। तो वही चीज़ है, तो इन शॉर्ट में मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे को लीवर की दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी कि अब थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया था यहाँ पर राइट साइड में अब देख, और इसी की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लग गया था बैठने उठने में। जैसे अब गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना, जैसे झुकते हैं थोड़ा ऐसे, और वैसे जैसे चेयर वगैरह पर बैठो तो थोड़ा पुश लगता था। तो ये सब दिखाया तो मैंने पूरा प्रॉपर चेकअप कराया, जैसे वो पूरा रूटीन चेकअप होता है ना उस तरह का एक रूटीन चेकअप कराया, पूरा बॉडी चेकअप और पेट का अल्ट्रासाउंड करा लिया था। उसमें ये निकल गया लीवर में थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें आई हैं। नेगेटिव बोले तो यार, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है किस लैंग्वेज में। अब जैसे मेडिकल भाषा में पॉजिटिव आई हैं जो निगेटिव आनी थी, तो पॉजिटिव चीज़ें आई हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई आई हैं। जैसे कुछ एंजाइम्स वगैरह ए एल टी एस ये समथिंग एक वैल्यू होती है, एक सर्टेन टेस्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग, इतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो बस वो चीज़ें बढ़ी हुई आई जो नॉर्मल वैल्यू से भी ज़्यादा आए, तो उतना नहीं आना चाहिए था। तो मैं अब आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जैसे ये कोलेस्ट्रॉल को दिखा रहा हूँ, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक आया था, उसमें ज़्यादा बढ़ा नहीं हुआ है, हल्के थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी हुई आई। फिर डॉक्टर ने वही बोला है कि थोड़ा सा अपना वॉक करो, एक्सरसाइज करो वगैरह करो, तो ये तो नॉर्मल है और इसको कम कर सकते हो। तो थोड़ा खाने पीने में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करो, बैड कोलेस्ट्रॉल मत बढ़ाओ। तो उस चीज़ की उसने मतलब बता दिया है कि क्या क्या करना है, एक्सरसाइज है, खान पान पर ध्यान देना है। उसके बाद जो मेन फैक्टर है वो लीवर से रिगार्डिंग है, तो वो देखोगे तो ये जो एल एफ टी होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, उसकी रिपोर्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्निंग वाली चीज़ है ये सीरम ए एल टी जो होता है, ये एल टी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इवन देखा जाए तो नॉर्मल वैल्यू से 4 to 5 times ज़्यादा ही आया हुआ है। इसका ए एस टी भी मेरा बढ़ा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो चीज़ें ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं दिखती हैं, क्योंकि एक मेडिकल भाषा में कहा जाए तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लीवर फंक्शन में मदद करते हैं और इनका एक नॉर्मल वैल्यू में होना ठीक रहता है, और जो काफ़ी बढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्निंग ये ए एल टी, तो आप गूगल भी कर सकते हो कि इनके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या कॉज होता है इनकी वैल्यू ज़्यादा होने से बढ़ने से। तो ये सब चीज़ें लीवर से रिलेटेड ज़्यादा आई हैं, मुझे कुछ 8 या 9 महीने से ये चीज़ मतलब परेशान कर रही थी। लीवर फैटी तो कॉमन है, वो तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन ये हल्का हल्का माइनस से यहाँ पे पेन रहता था राइट साइड में, लीवर के राइट साइड में पेन रहता था। तो मैंने बीच में एक डॉक्टर से दिखाया था, थोड़ा
थोड़ा आराम रहा, फिर वैसे ही हो गया। तो बेसिकली क्या रहता है कि खान पान का थोड़ा बहुत इशू रहता है कि बाहर जाते हैं तो खाते रहते हैं, और बाहर का मैं बहुत खाता हूँ, तो ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी। और हर किसी को बाहर का खाना अवॉइड ही करना चाहिए आज के टाइम में, तो खाना बाहर का बहुत ही अजीब सा होता जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केसेस अलग तरह के निकल आते हैं, कहीं बेकार खाना, कहीं कुछ देखते रहते हो, सोशल मीडिया पर आता रहता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बाहर का खाना पीना तो बहुत बंद, इसीलिए हम अब सोनिया तो वर्कआउट करती है और जिम भी जाती है, तो डाइट वाला वगैरह फॉलो करती है। मैं भी अब जिम ज्वाइन करूँगा। मेन कंसर्न ये रहता है जिम जाने का कि हम लोग ज़्यादातर टाइम बाहर भी रहते हैं, तो ये रहता है ना कि मान लो अगर महीने में 20 दिन बाहर हैं तो 10 दिन ही जिम जा रहे हैं, 15 दिन बाहर है तो 15 दिन ही जा रहे हैं। तो और आजकल जिम की मेंबरशिप तो बहुत महंगी आती है, तो फिलहाल देखते हैं उसके बारे में। बाकी कुछ कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यही सब चीज़ रीज़न थे। और फिर मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, अल्ट्रासाउंड में तो क्लियरली आया कि बहुत ज़्यादा ही फैटी लीवर है, ग्रेड टू का मतलब जो लेवल होता है ना, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड वन, तो मेरा ग्रेड टू में आता है। इसके ऊपर अगर बढ़ता है तो वो फिर एक मतलब एक कंडीशन होती है सिरोसिस, आप गूगल कर सकते हो लिवर सिरोसिस। तो वो बहुत मतलब उसकी भी स्टेजेस होती हैं, लेकिन वो बहुत ही बेकार चीज़ होती है, वो होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरा क्लोज टू सिरोसिस समथिंग है, क्योंकि मेरा ग्रेड टू है फैटी लिवर, तो उतना डैमेज नहीं होना चाहिए लिवर को, इसलिए वो अभी भी क्योरेबल है, प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसको क्योर किया जा सकता है। तो अब मैंने फाइनली पूरा दिखा करके, अभी हम परसों मंडे को ही, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि उस दिन मेरा मूड बहुत ऑफ था और उस दिन थोड़ा सा मतलब तबीयत भी डाउन लग रही थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया था कि ये सब में ये सब लगा हुआ था। तो हम लोग डॉक्टर दिखाने गए, डॉक्टर ने बस सब कुछ बताया, कंसल्ट किया, बताया कि ये चीज़ें ये है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, दवा वगैरह लिख दिए, दवा खाएंगे। अभी एक टेस्ट कराना है हेपेटाइटिस का, जो उससे रिवर से रिलेटेड होता है कि अगर उसका कोई इन्फेक्शन है तो वो क्लियरली पता चल जाए, तो उसके हिसाब से और जो मेडिसिन है वो दी जा सकें, अगर पॉजिटिव आता है तो, जो नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम लोग चले गए थे गॉगल्स के लिए, गॉगल्स कह रहा हूँ स्पेक्स के लिए, क्योंकि आइस वगैरह में बड़ा पेन होता है, क्योंकि सामने मोबाइल काम करते रहो, लैपटॉप में काम करते रहो, ज़्यादातर टाइम हम लोग यही कर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। सोनिया का भी वही हाल है, मेरा भी हाल है, मेरी तो आइस में उतना पानी नहीं आता, लेकिन सोनिया के आइस से जो है ना बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली मोबाइल देखने लग जाती है। मैं अपना लैपटॉप पे काम करता हूँ और मोबाइल में भी लगा रहता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हेडेक सा हो जाता है। तो हम लोगों ने गए थे एक स्पेक्स सेंटर फ्रेंड्स कार्ड करके है, और वहाँ पे हमने हम अपने अपने स्पेक्स मतलब बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है, जिसमें वो अल्ट्रा वाइलेट रेज का है और ब्लू क्या कहते हैं उनको, ब्लू रेज जो होती हैं कंप्यूटर की स्क्रीन वगैरह से आती हैं, उसके लिए दे दिया है। तो वो बन के आ जाएंगे। तो वहाँ पे सोनिया की आई टेस्ट भी कराई थी, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, जो आप अभी मैं देखोगे, मैंने इसके आगे लगाया हुआ है। मान ले तुझे मोतिया बिंद है, इससे ज्यादा मेहनत क्या ही करेगी। हो गया, समझ में आ गया। सोनिया का थोड़ा सा है, क्योंकि उसके आइस में पानी में डालता रहता है, वो बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट कर देती है, प्रेशर डाल देती है आइस पर। फिलहाल दोनों ने स्पेक्स का ऑर्डर दे दिया है, हम लोग चंडीगढ़ आ गए, जब वापस जाएंगे तब तक वो मतलब बन गए होंगे। फ़ोन भी आया था आज, तो हमने कहा था हम जब वापस आएंगे तो कल या परसों में ले लेंगे, अगर आज निकलते हैं तो ठीक, कल निकलते हैं तो भी ठीक, तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में मेंटेन करिए, खाना पीने बहुत ध्यान दीजिए, बाहर की चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ एक टाइम पर आकर के ना फिर आपको अचानक से मतलब रोकना पड़ता है। अब मेरा वही है कि अब मैं अचानक से सब चीज़ें बंद कर रहा हूँ, जैसे बाहर का खाना, जो भी खाने में अगर बाहर का खाना पड़ रहा है तो कुछ ऐसा देख रहा हूँ, जैसे इडली या उत्पम हो गया, या ऐसा हल्का फुल्का जो ज़्यादा इफेक्ट ना करे, क्योंकि नान और ये स्पाइसी चीज़ें खाने से तो बेहतर है कि कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें खाए थे जितना कम किया जा सके। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको वेट लॉस भी करना पड़ेगा, मेरा इतना वेट तो है ही नहीं, तो मैं क्या ही बोलूँ, वेट लॉस तो करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 85-88 अराउंड मेरा वेट है, तो मुझे 80 तक लाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलेगा। बाकी मेडिसिन तो चलती रहेंगी, ट्रीटमेंट पूरा करो, सब ठीक हो जाएगा, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, हेल्थ मेंटेन करो।
तो वही चीजें करना है दोस्तों। मुझे लगता है कि मुझे एक चैलेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना चैलेंज लिए शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने चैलेंज लिया, उन्होंने करके भी दिखाया है। तो मुझे भी लगता है कि एज ए चैलेंज लेना चाहिए और इस चीज को करना चाहिए। तो मैं सोनिया से वही बात करेंगे, इसको किस तरह से चैलेंज के तरह पे लेते हैं, जिम ज्वाइन करें कि घर से ही वर्कआउट करें, वो सब चीजें देखूंगा। फिलहाल आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का भी साथ चाहिए, और आप लोगों को एडवाइस भी देना चाहूंगा कि आप लोग भी वर्कआउट करिए, अपने खान पान पे, रहन सहन पे, अपना लाइफ स्टाइल उस तरह से रखिए कि चीजें सब अच्छी लगती हैं, लेकिन दिक्कतें ना हो, है ना। खाना पीना सब अच्छा लगता है, घूमना फिरना सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो हम बहुत नेगलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत नेगलेक्ट करता हूँ। तो अब से देर है दुरुस्त है वाली बात होगी, तो अब राइट टाइम रहना है और हमने हेल्थ पे ध्यान देना है। तो कई बार आप देखोगे कि हम कुछ चीज़ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या हम कुछ ऐसा ऑर्डर कर रहे हैं जो हेल्दी हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, ये सब चीज़ें, तो वो देखना है। तो इसीलिए उस दिन ब्लॉग नहीं बनाया था, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये एक सलाह भी है कि अपना हेल्थ का ध्यान रखें, और कभी कभी अपना ये हेल्थ चेकअप कराते रहा करिए, ताकि पता चलता रहे कि कहीं दिक्कत है या नहीं है, ज़रूरी है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:15 और मैडम तो अपना खा पी के टन टना करके आ गई हैं, और मैंने मंगाया अपने लिए उपमा। एक मिनट, क्या आ गई है ये जो मेरे डीजे बालिका जो बनी घूम रही हो ना, डीजे बालिका, ये जरा चौड़ियाओ मत, अपना तो रवा डोसा खा करके आ गई मैडम, और हमारे लिए कुछ पूछा ही नहीं है, डाइट के नाम पर हमारे साथ धोखा हो गया। इस तंत्र को क्या कहते हैं, यंत्र को हैं, इस यंत्र को डीजे वाला भोंपू इसको बोलते हैं। ओके तो गाइस ऐसा है कि हम लोग जब ये आई थी ना, तो हम लोग यहाँ पास में बीकानेर है, तो वहाँ पे चाय पीने गए थे, तो इन्होंने बोला कि मुझे रवा डोसा खाना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता किया, तो मिल गया, तो इन्होंने रवा डोसा खा लिया। उस समय मुझे भूख नहीं लग रही थी, अब मुझे भूख लग रही है। पहले सोचा मैं कुछ ना मंगाऊँ, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे करके वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अपने पर कंट्रोल करें, भूख को कंट्रोल करें, लेकिन सोचा यार रात में थोड़ा सा जगना हो जाता है और फिर भूख लगेगी, फिर दवा भी एक्चुअली खानी थी ना, वो खाने के बाद है। अब वो या तो मैं थोड़ी सी नमकीन लाया हूँ, वो नमकीन खा लेता, होटल से कुछ मंगाने नहीं, क्योंकि जरा जरा सी चीज़ें होटल वाले देते नहीं हैं। फिर सोचा कि चलो ऑर्डर करते हैं, पूछा तो सब खाने का आइटम था बेसिकली, वो स्पाइसी वाला सब की पनीर की सब्जी, दाल वगैरह, वो खाना नहीं था। तो ये साउथ इंडियन डिशेज कोई थी नहीं अवेलेबल, ना डोसा था, ना उपमा था, ना ही ये पोहा। तो फिर मैंने कहा जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, अब जोमेटो से ऑर्डर कर दिया है, तो वो दे तो गया, बढ़िया बना है। प्रॉब्लम ये है कि कटलरी मैं मंगाता नहीं हूँ, तो उसमें ध्यान नहीं दिया, वो बिना कटलरी के आ गया। अब इनसे कटलरी के लिए बात करी है, तो बोले सर अभी तो किचन बंद हो गया है, ये सब, वो तो टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले अगर आता तो वो भिजवा भी देते। तो सोनिया ने एक कलाकारी दिखाई, कप ला करके रख दिया है, जिसमें हम सैंपल निकालेंगे। उपमा तो ऐसे खा लिया कि इवन स्पून भी नहीं है, तो अभी इतना गर्म है कि जैसे इसमें लगा तो उंगलियों का तो बैंड बच जाएगा। तो ये देखो मैं कैसे खाऊं, हाथों से तो खाता ही हूँ यार, मैं पैरों से थोड़ी ना खाता हूँ, तो मुझे भी पता है। मतलब ऐसे बता रहे हैं जैसे इनको, हमें तो पता ही नहीं कि हाथों से खाया जाता है, बस लगे पड़े अपना। तुम नहीं खाओगी जरा सभी है, डोसा जो पेट में फूल रहा है, रवा डोसा, रवा फूल रही है, सूजी रवा जो भी आप लोग कहते हो, यहाँ तो सूजी कहा जाता है, हम लोग इधर रवा कहते हैं, तो जैसा जो है वो फूल रही होगी, तो तुम्हें भूख क्यों लगेगी, है ना। अब हम भी ये उपमा देख रहे हो खा पी के तैयार बैठे हैं। खैर चलो कोई नहीं, कभी कभार ऐसा सीन हो जाता तो एडजस्ट तो करना चाहिए। फिलहाल निपटाते हैं, थोड़ी ठंडा हो जाए, क्योंकि इतना गर्म है भाई साहब। वो जोमेटो वाला हाथ में ऐसे पैकेट दे गया, पैकेट ऐसा देगा जैसे पूरा 1 किलो उपमा मंगाया हो भाई साहब। बाद में पता चला इसमें तो ये सांभर भी घोसा हुआ है, ये देख रहे हो सांभर की क्वांटिटी कितनी है, इतनी इतनी क्वांटिटी इसकी, उतना ही बिल्कुल ये सांभर भी है। सांभर रिफंड कर दूं, सांभर को रिफंड कर दो, तुम्हारा रिफंड चलेगा, सांभर रिटर्न, तुम्हारा तो रिटर्न पीरियड भी एक्सपायर हो चुका है, बुद्धि। चलो ठीक है, मैं इसका ठंडा होने का वेट कर रहा था, फिलहाल ये ठंडा हो जाए फिर खाते हैं। तो भाई 11:30 हो गए हैं, खा पी के इतना यार उपमा इतना भेज गया था, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो नहीं, इसने भी खाया मैंने भी खाया, इनको पहले भूख नहीं थी, लेकिन जो इतना अच्छा बना हुआ था कसम से बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन। कुछ बोलोगे, हम ही बोले
हाँ देखा, दो लोग बोलते हैं तो उस चीज़ को मानना चाहिए। बहुत काफ़ी अच्छा बोला, और चटनी इतनी मस्त थी यार, पूछो नहीं यार। मैंने तो 5 स्टार से 5 स्टार रेटिंग दे डाली, बहुत बढ़िया बना था। मैंने तो उसको सेव भी कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा साउथ इंडियन मंगाएंगे तो वही मंगाएंगे। हैं, तुम्हारा गला दर्द हो तो बताओ। छुट्टी अभी का गला अच्छे से हम दबा देते हैं। फिलहाल अभी बाहर ठंडा हो गया मौसम आज मैडम, नहीं तुम गई, तुम्हें तो बता ही दिया, भूल जाती हो। वेदर इवनिंग और मॉर्निंग में थोड़ा सा अच्छा हो गया, तब तो विंटर तो आ ही रहे हैं। विंटर के मजे ही मजे, स्मोक फॉग के साथ स्मोक। चलो फिलहाल अभी सोने की तैयारी करते हैं, थोड़ी देर में सो जाएंगे, थोड़ा वो टहल वहल लें, क्योंकि इतना ठूस लिए ना, ज्यादा क्वांटिटी थी। अब दिल्ली घुमा छोड़, वॉक करते करते दिल्ली हो जाता हूँ, एक चक्कर लगाया। चलो फिलहाल चक्कर लगेगा तो न्यूज में आएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, समझ जाओ नहीं गए। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अभी फिलहाल हम कल परसों शायद हैं, वो तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा कब निकलेंगे, क्योंकि मोस्टली हम रात में खिसक लेते हैं, तो रात के उल्लू हैं हम, निशाचर प्राणी, निकल लेते हैं। तो जब निकलेंगे तो वीडियो में आपको पता चलेगा ही। तो फिलहाल अभी तो सोने की तैयारी करते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग कर लिए, व्लॉग को अपलोड करते हैं, मॉर्निंग पब्लिश हो जाएगा। तो चलो फिलहाल लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, रुकना नहीं चाहिए, स्क्रीन तोड़ डालो, लाल वाली सब्सक्राइब की बटन को तोड़ डालो, बस फोन मत तोड़ो ना, कर डालो। ठीक है, मिलता है कल आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल, और अपना ख्याल रखें। दिल्ली वालों खास तौर से तैयार हो जाओ मास्क लगाने के लिए। बाय बाय।